नंगी हो गई, निर्वस्त्र हो गई। सम्मान करना तो अलग रहा, बधाई देने में भी आपके पेट में चूक आ रही है। आई एम शेम ऑफ इट। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, आप कुछ भी मेरे बारे में कह देते हैं। अरे सब नो, के सब ने क्या, अरे मैं तो बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने नो, नो, मेक पॉलिटिक्स। इस देश में किसानों की आवाज को कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। इस देश में किसान की आवाज को रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, नहीं होगा, होगा भी नहीं। आप आवाज करके किसान की एक प्रशंसा नहीं सुन सकते हो। मैं आज आपके माध्यम से भारत सरकार द्वारा 9 फरवरी 2024 को लिए गए ऐतिहासिक फैसले के संबंध में अपनी बात रखना चाहूँगा। खास तौर से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का फैसला लिया, जो उन्होंने पहल ली। ये एक बहुत बड़ा फैसला है, ये सर्वविदित है कि मैं प्रसन्न हूँगा। सभापति जी, मैं जानता हूँ व्यक्तिगत तौर से आप भी गदगद हैं, लेकिन ये भाव सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, इस सदन तक सीमित नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि कल देश के हर कोने में आपके निर्णय की गूंज पहुँची है। गांव-गांव में दिवाली मनाई गई है। जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, गाँव के लोग गुड़ और मिठाई लेकर दिल्ली आए थे बांटने के लिए, अपनी खुशियों को बांटने के लिए और इजहार करने के लिए। सर, ये क्या है सर? उसी तरीके से कल भी कनॉट प्लेस में किसानों ने गुड़ बांटा है। ये दिखाता है, दर्शाता है कि ये फैसला सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी के लिए परिवार तक सीमित नहीं है। देश का किसान का मेरा वर्ग, देश का वंचित समाज का व्यक्ति, उनको सशक्त करने वाला फैसला। मैं अपील करता हूँ, आप भी मिस्टर जयराम रमेश, मिस्टर जयराम रमेश यहाँ बैठे हो, लेकिन पहले भी जयराम रमेश आपने काम किया, उनका तो आदर कर लीजिए। केयर इज हियर, चुनाव आते जाते रहते हैं। Please sit down. तब जाएंगे। Honorable members, one second. Take your seat. First, will you take your seat? Why are you shouting like a commando? नहीं, why are you shouting like a commando? Sit down. Take your seat. Pramod ji, you have been. Honorable members. सभापति जी, अगर मेरी बात दर्ज हो रही हो, मैं बात चालू। One at a time, leader of the opposition. Do you want to say? Either control your people or please say something. Shri Mallika Arjun Khadge ji. Either control your people or you rise and address the house. I give you two options. What? No. Now sit down. Leader of the opposition is on the floor. No. एक मिनट. One second. No. सुनिए. Please. Everyone too. ये खुशी की बात है कि भारत रत्न हमारे जितने भी leaders थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, और जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, और जो फार्मर्स के बहुत लीडर, बड़े लीडर थे और पॉलिटिकल लीडर्स भी थे, नरसिंह राव जिन्होंने प्रगति लाई वो भी है इसमें, उसके बाद सारे नेताओं को जो भारत रत्न दिया गया है उसके बारे में कोई वाद विवाद नहीं है। हम सबको सैल्यूट करते हैं, लेकिन कोई एक मुद्दा जब आप उठाते, चर्चा करते, हमको हमेशा आप पूछते हैं किस रूल में, रूल बताओ। तो मैं भी यही पूछना चाहता हूं
किस रूल में आपने उनको बोलने के लिए परमिशन दिया? एक, अगर ऐसा ही है तो हमको भी हमेशा दीजिए। आप रूल, एक तरफ रूल की बात करते हो और एक तरफ जो चाहते हैं, प्लीज, जो चाहते हैं उनको कभी भी उठा सकते हैं, ये अच्छा नहीं ना। आपको डिस्क्रिशन है, दैट डिस्क्रिशन शुड बी यूज्ड वेरी जुडिशियसली, नॉट एज एंड व्हेन यू वांट। सो माय रिक्वेस्ट इज दैट अनलेस, नहीं तो भारत रत्न वालों को बोलिए, नहीं नहीं सुनिए, नहीं, आपके लोगों ने जब चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की चर्चा हो रही थी, इतना आई डोंट वांट टू यूज वर्ड्स, अरे सब नो, के सब ने क्या, अरे मैं तो बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको बोल दिया, डोंट मेक पॉलिटिक्स, आई टोल्ड वी सैल्यूट ऑल द पीपल, दोज हु हैव वर्क्ड फॉर दिस कंट्री, इररेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, वी सैल्यूट देम। लेकिन द वे हियर द डिस्कशन इज गोइंग ऑन, नाइदर यू आर फॉलोइंग द रूल्स नॉर यू हैव ब्रॉट दैट एजेंडा फॉर डिस्कशन। वी ऑल कुड हैव पार्टिसिपेटेड डिस्कशन ऑन भारत रत्न गिविंग टू द सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो पीपल हु कॉन्ट्रीब्यूटेड देयर एंटायर लाइफ फॉर द कंट्री। आपको एजेंडा भी नहीं है, सो मोटू उठा के बात कर रहे हैं, दैट इज नॉट फेयर एंड इट इज नॉट गुड, एंड इफ यू वॉन्ट टू फॉलो यू शुड फॉलो द रूल। कहीं पे हमारे खिलाड़ी जीतते हैं, आपकी ओर से यहाँ अनाउंस होता है, पूरा सदन इनको थपथपाता है, इसमें किसी के समधी नहीं होते हैं, वो किसी देशवासी के पोते पोती नहीं होते हैं, मगर फिर भी पूरा देश इसको मनाता है और सांसद इसमें उसका प्रतियोगिता देते। मैं हैरान हूं कि कांग्रेस दल के लोगों ने खड़े होकर इसका विरोध क्यों किया, 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 किया। दूसरा सुनो, सुनो, हमको सुनो, सुनो, हमको सुनो, इस देश में किसानों की आवाज को कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ, इस देश में किसान की आवाज को रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, नहीं होगा, होगा भी नहीं। आप आवाज करके किसान की एक प्रशंसा नहीं सुन सकते हो, एक किसान की प्रशंसा नहीं सुन सकते हो। किसान को भारत रत्न मिला, इसमें कांग्रेस के जहन में क्या आग लग गई? ऐसे नहीं होता सर, मुझे बताना है, ये कांग्रेस की बात है, लीडर ऑपोजिशन, आप लीडर ऑपोजिशन, आपने जब भी खड़े होते हैं आप हमको ये हिदायत देते हैं कि लीडर ऑपोजिशन बोल रहे हैं, आप सब इनको सुनिए। ऐसा आपके मुंह से मैंने 100 बार सुना कि लीडर ऑपोजिशन बोल रहे हैं, आप कृपया इनको सुनिए, ये आपके आपके रूलिंग है, वो आपको ऐसा बता रहे हैं लीडर ऑपोजिशन कि आप मनचाहे निर्णय ले रहे हैं, ये लीडर ऑपोजिशन का ऑर्डर होता है, कहने का ऑर्डर होता है। आपके चेयरमैनशिप को सीधा ही चैलेंज करना कि आप डिस्क्रिप्शनरी कर रहे हैं, आप हमको मौका नहीं दे रहे हैं, और वो भी ऐसे मौके पर जब किसी किसान को भारत रत्न देने का अवार्ड भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिया गया हो, उस समय सर ये कांग्रेस का असली चरित्र है, ये कांग्रेस का असली चेहरा है, कांग्रेस की सरकार इन्होंने गिराई थी, वो ये मान रहे हैं कि हमने जिनको सरकार से निकाल दिया इनको भारत रत्न कैसे मिल सकता है, यह है इनकी मंशा, इनकी मंशा यह है कि हमने जिनको सरकार से हटा दिया ऐसे आदमी को भारत रत्न मिलता है। सर आज कांग्रेस नंगी हो गई,
सम्मान करना तो अलग रहा, बधाई देने में भी आपके पेट में चूक आ रही है। आई एम शेम ऑफ इट। खड़गे जी सुनिए, पहले मैं किसान वर्ग से आता हूँ, इसका मतलब नहीं, सुनिए, इसका मतलब नहीं कि मैं कमजोर चेयरमैन हूँ। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, आप कुछ भी मेरे बारे में कह देते हैं। यू से एनीथिंग यू लाइक, यू डोंट रीड दिस बुक, यू डोंट फॉलो प्रेसिडेंट्स। सर यू यूज एनी लैंग्वेज अगेंस्ट मी, समटाइम्स यू बिहेव लाइक अ टीचर एज इफ आई एम अ स्टूडेंट। नहीं सर, आज का ये मौका बहुत संवेदनशील है, आज के मौके में नहीं, आपने मेरे दिल पर चोट की है। जयंत चौधरी प्लीज। सभापति जी नहीं सुन, आज मैं आई हैव गिवन प्रमोद जी नथिंग विल गो रिकॉर्ड, सम्मानित प्रमोद जी इट विल नॉट गो रिकॉर्ड। सांसदों के इस सदन की कार्रवाई के दौरान दुर्व्यवहार को लेके बहुत दुखी हूँ। आपने मेरी नहीं देश की भावनाओं को व्यक्त किया सभापति जी, आपने मुझे संरक्षण दिया। बड़ी अचंभा मुझे होती है कि हम चौधरी चरण सिंह जैसी शख्सियत को किसी गठजोड़ के बनने और तोड़ने और चुनाव लड़ने और जीतने तक सीमित रखना चाहते हैं। लेफ्ट राइट सेंटर में हम बटे रहेंगे तो ये देश के जो असली धरती पुत्र थे उनका आदर और सम्मान हम कैसे रख पाएंगे। मैं ये मानता हूं कि देश में जितने महान नेता आए हैं सब ने एक दूसरे से कुछ ना कुछ लिया है, सीखा है, प्रेरणाएं ली हैं। चौधरी चरण सिंह जी गांधीयन सिंप्लिसिटी को अपना असूल बना के उन्होंने जीवन जिया। महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज को अपना उनकी मूल फिलॉसफी का वो हिस्सा और चरित्र का हिस्सा रहा। लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी, नैतिक, उनके चरित्रिक गुणों को उन्होंने अपने अंदर समाया। इस सदन के माननीय सदस्य पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा, जैसे इनकी राजनीतिक पहचान खेती और किसानी से जुड़ी हुई है, उसी प्रकार से चौधरी चरण सिंह जी की पहचान भी खेती और किसानी और कामगार से जुड़ी हुई है। राजनीतिक विशेषज्ञ ही मानते हैं कि जैसे इंदिरा गांधी जी में एक करिश्माई शक्ति थी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की, उसी प्रकार से चौधरी चरण सिंह जी को सुनने के लिए, उनको छूने के लिए, उनको बेहतर तौर से समझने के लिए दूर दूर से गाँव गाँव से लोग चले आते थे। और मैं ये भी मानता हूँ 10 साल मैं विपक्ष में रहा हूं, कुछ ही देर सदन में मैं इस तरफ बैठा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि 10 साल में जो आज सरकार है इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ग्रामीण क्षेत्र में शौच की दुर्व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालते हैं, जब महिला सशक्तिकरण को अपना प्लेटफॉर्म भारत सरकार बनाती है और गांव-गांव में जागृति पैदा करती है, तो मुझे उसमें चौधरी चरण सिंह जी की बोली याद आती है। सभापति जी, हम लोग नेताओं को समझ नहीं पाएंगे अगर हम इसी तरह बटे रहेंगे। कुछ लोग उनके अंदर भ्रम है, कुछ लोग ये भी कहते हैं, मानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी जाटों के नेता थे या सिर्फ किसानों की वकालत करते थे। ऐसा नहीं, वो विचारक थे और उनके इंटेलेक्चुअलिज्म पे जो टेरेंस जे बायर्स जो प्रोफेसर थे ओरिएंटल कॉलेज इन अफ्रीकन स्टडीज़ लंदन स्कूल में, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में, उन्होंने किताब लिखी है चरण सिंह 1902-87 एन असेसमेंट। मैं उससे कोट करना चाहूँगा सर, चरण सिंह डिड हैव इंसाइसिव इंटेलिजेंस एंड ही अनडाउटेडली अप्लाइड इट टू अ कंटिन्यूइंग स्टडी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स इन उत्तर प्रदेश। जजमेंट ऑन वेदर he was an intellectual of course turns to one definition of intellectual. My judgment is that on the most rigorous definition Charan Singh was clearly an intellectual, and not only that, the most unusual one. Sir, jo pradhanmantri ji ne aur bharat sarkar ne Chaudhary sahab ko bharat ratna diya hai, main manta hu usse do bade kaam ho jate hain. Ek ke Chaudhary sahab ki legacy ko हम दोबारा इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं। देश के सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे छात्र, उनके अंदर आपने एक नई जिज्ञासा पैदा की है। गांव में पल रहे नौजवानों के अंदर एक नई जिज्ञासा और भावना आपने पैदा की है। देश के अर्थशास्त्री और मुख्यधारा में जो लोग नीति निर्धारक हैं, आपने दोबारा उनको कहा है कि चौधरी चरण सिंह को आप स्टडी कीजिए।
अपने स्टडी में शामिल कीजिए, अपने अध्ययन और विचार अनुसंधान में शामिल कीजिए। दूसरा बड़ा काम जो भारत सरकार ने किया भारत रत्न देकर, हौसला बढ़ाया। मैं मानता हूं कि ये एक महज पुरस्कार नहीं है, सबसे बड़ा सम्मान है। और मैं जानता हूं कि आज की जो जीवन समस्या देश के सामने और चुनौतियां हैं, किसानों की समस्या हैं, भारत रत्न देकर उनका हल नहीं निकलता, लेकिन आने वाले सालों में झोपड़ में पैदा होने वाला व्यक्ति जब वो कहेगा अगर मुझ जैसा चौधरी चरण सिंह बन सकते हैं, भारत रत्न को मिल सकता है, तो मैं भी अपनी समस्याओं का समाधान खुद करने में सक्षम हूं। ये बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। मैं तो चाहता था कि क्योंकि चौधरी साहब मेरे अकेले नहीं है, एक पार्टी की नहीं है, मैं अपील करता हूं कि उनके लंबे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जो भी शक्तियां उनके साथ आईं, जो भी नेता आज इस सदन में मौजूद हैं, उनके इस लेगेसी का हिस्सा वो भी हैं, जिम्मेदारी उनकी भी है। कोई वसीयत में कोई संपत्ति वो छोड़ के नहीं गए थे। आदमी तब तक जिंदा रहता है जब तक उनके विचार लोगों के बीच जिंदा रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी दल के सम्मानित सदस्य गांव-गांव तक चौधरी चरण सिंह जी के विचारों को ले जाएंगे। और मैं फिर अपने तरफ से ऋणी हूं, कहना चाहता हूं, एक जमीनी सरकार जो जमीन की आवाज़ को समझती है और बुलंद करना चाहती है, ऐसी ही सरकार धरती पुत्र चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे सकती है। धन्यवाद।